जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट है मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव रूल डिस्कस करने से पहले हमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स का पता होना चाहिए। सिमेट्रिकल अल्कीन्स और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, ठीक हो गया। अब आपने याद रखना है कि ऐसे अल्कीन्स जिनके कार्बन के डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन एटम्स की तादाद क्या हो, बराबर हो। दोज अल्कीन्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड डबल बॉन्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। जैसा कि ये इथीन है या इसे इथाइलीन कहते हैं, इसी तरह CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये क्या है, ब्यूटीन। क्लियर हो गया। तो यहां पर देखें कार्बन डबल बॉन्ड के इस तरफ भी एक हाइड्रोकार्बन एक कार्बन, यहां पे दो दो कार्बन है, तो ये दोनों क्या है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं। अनसिमेट्रिकल के केस में क्या होगा कि ऐसे अल्कीन जिनके डबल बॉन्ड के अराउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो अनइक्वल हो, जाके यहां पर देखें एक कार्बन है, यहां पर कितने हैं, दो कार्बन है। इसी तरह ये देखें ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है। तो ये क्या है, ये वन प्रोपीन है, ठीक है, और ये क्या है, ये टू पेंटीन है, ठीक है ना, और ये दोनों क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो चीज है वो है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होता है, ऐसा रिएजेंट जिसके एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। जैसा कि HX है तो यहां पे हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, ये माइनस ये प्लस, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इस तरह ये क्या है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो ऐसा रिएजेंट जिसके एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, उन्हें हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि अगर हम कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, फॉर एग्जांपल हैलोजन एसिड है, वो सिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करते हैं, जैसा कि ये देखें इथीन में हम ऐड करना चाह रहे हैं HX को, तो आप किसी भी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर दें, किसी भी कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा दें, प्रोडक्ट हमेशा जो है वो सेम ही बनेगी, ठीक है। जैसे कि क्या है, हेलो इथेन है, यानी कि ये H आप यहां पे लगा दें या इस पे ऐड कर दें, हैलोजन यहां पे लगा दें या यहां पे लगा दें, हमेशा क्या बनेगा, हेलो इथेन ही बनेगा। क्लियर हो गया। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल का केस हो तो यहां पे दो किस्म के जो है वो कार्बन है, एक कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है और एक वो कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन कम है। क्लियर हो गया। तो यहां पर देखें के दो सिचुएशन है, एक ये वाला कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर आप हाइड्रोजन को कार्बन वन पे ऐड करते हैं और हैलोजन को कार्बन टू पे ऐड करते हैं तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगी, फिर प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH X और ये आ गया CH3, यानी कि टू हेलो प्रोपेन। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को कार्बन टू पे ऐड करें, हैलोजन को कार्बन वन पे ऐड करें तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3 CH2 CH2 X। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, ये टू हेलो प्रोपेन है, जबकि ये क्या है, वन हेलो प्रोपेन है, ठीक है। अब मार्कोनिकोव रूल क्या है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन देन नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट विल गोज टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक क्या है कि जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे तो जो नेगेटिव पार्ट होगा, यहां पे नेगेटिव क्या है, हैलोजन, ये उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जिसके पास कम नंबर है हाइड्रोजन के। तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं,
इन दोनों प्रोडक्ट्स में कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगी, ये वाली फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है एक्स वाला, ये कार्बन टू पे जा रहा है जिसके पास क्या है, कम हाइड्रोजन है, ठीक है। जबकि ये वाली प्रोडक्ट क्या है, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर रही है। तो स्टूडेंट्स याद रखना है आपने के मार्कोनिकोव रूल इज एप्लीकेबल टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के ऊपर जब आपने एडिशन करनी है किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की, तो हम क्या करेंगे, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। और अगर इसके ऑपोजिट बात करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो यहां पर याद रखना है कि मार्कोनिकोव रूल इज एप्लीकेबल ओनली टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल जो है वो सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सेकंड, इसमें जो नेगेटिव पार्ट है जो कि एक्स है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इट विल गोज टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? तो अगर क्या है, इसके ऑपोजिट बात करें कि हैलोजन या नेगेटिव पोर्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर ये बन जाएगा एंटी मार्कोनिकोव रूल बन जाएगा।